iQOO का नया फोन iQOO Z7 भारत में लॉन्च होने के लिए एकदम तैयार है। iQOO Z7 की लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने ऑफिशियली तौर पर तो कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन iQOO Z7 का पोस्टर जरूर रिलीज किया गया है। पोस्टर देखकर कहा जा सकता है कि iQOO Z7 में आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। बता दूं कि iQOO Z6 सीरीज को पिछले साल ही अगस्त में चाइना में पेश किया गया था। इसी का नया अपग्रेडेड वर्जन माना जा रहा है iQOO Z7 को। इस बात की जानकारी खुद कंपनी के CEO निपुन मारिया ने iQOO Z7 का पोस्टर जारी करके ट्विटर के थ्रू दी है। उन्होंने पोस्टर के साथ Z3 स्मार्टफोन का हिंट भी दिया है। पोस्टर के मुताबिक iQOO Z7 के साथ आपको रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें दो लेंसेज होंगे, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी कि OIS के, और एक और सेकेंडरी कैमरा को सपोर्ट करेगा। आने वाले फोन को रंगीन टील में दिखाया गया है और जब ये लॉन्च होगा तो हम अधिक ऑप्शंस की उम्मीद भी कर सकते हैं। अब अगर iQOO Z6 की स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ 6.58 इंच की IPS LCD पैनल मिलती है। टॉप पर वाटर ड्रॉप नॉच मौजूद है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सेल्फी लेने और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको हैंडसेट के अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि iQOO Z7 के अंदर भी यही सब स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स होंगी। बैटरी की बात करूं तो शायद फोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आ सकता है। तो ये तो है और टीजर की जानकारी जो खुद निपुन मारिया ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए हमें दिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया TV टेक व्हील्स।